अभी मैं खड़ी हूँ शर्मा जी की चाय जो सब लखनऊ की सबसे फेमस जगह है और यहाँ पे सियासी लोग भी आते हैं। आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि विपक्षी लोगों से अपील करी है कि चर्चा पर चर्चा में सहयोग करें और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। ऐसे में हम शर्मा जी की चाय एक ऐसी फेमस जगह है जहाँ पर राजनीतिक चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलते हैं हम और मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से, देखते हैं क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं और क्या राजनीतिक चर्चा है। एमपी राजस्थान का चुनाव तो चर्चा में बना हुआ, यूपी की सियासत में क्या कुछ चल रहा है? चुनाव आने वाला है लोकसभा 2024, पक्ष में विपक्ष में बहुत कुछ चल रहा है। बताएं क्या कुछ चल रहा है यूपी राजनीति में, क्या कुछ होने वाला 2024 में, कौन पक्ष में भारी पड़ रहा है या पक्ष में कोई है ही नहीं, ऐसा क्या लगता है आपको? पक्ष और विपक्ष की बात क्या करें, 9.5 साल से जो देश के में चल रहा है उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियां, सुरक्षा, इस पर कहीं बात नहीं की गई जी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम जिन्ना पास पाकिस्तान या 20%। तो कौन कर रहा है ये हिंदू मुस्लिम जिन्ना पास, कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, और कौन कर रहा है? भाजपा का, भाजपा के एजेंडे में है। अच्छा। भाजपा के ये पूरे स्क्रिप्ट में होता है कि ये देखिए आप मूलभूत सुविधाओं से तो ये दूर है। अच्छा। और ये 2024 में भी किसी न किसी तरीके से इस तरीके का हिंदू मुस्लिम करा कर ही सत्ता में आ सकते हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करा कर सत्ता में आने वाले? बिल्कुल आएंगे, और उसके पास सामने विकल्प नहीं है ना। या आप झूठी योजनाएं जैसे आपने 2014 में कहा था 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां और ना जाने कितने वादे, और फिर उससे पहले 2013 में आपने हरियाणा में मुस्लिम और हिंदू किसानों को लड़ाकर आप 2014 में आए, 2019 में आपने 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर बैठा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, 2019 में ये 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर बैठा है, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है। तो ये देश को आप समझ में आ रहा है कि हमने 10 साल देश के तो बर्बाद किए ही किए, और जनता किस तरीके से हायतराय कर रही है। 9.5 साल का यह अघोषित जो कर्फ्यू लगा हुआ हम लोगों के ऊपर, अब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को पनौती ना कहो, तो पनौती नहीं है तो क्या हुआ? हमारी शिक्षा पे पनौती, हमारे रोजगार पे पनौती, हमारे महंगाई पे पनौती, नौकरियों पे पनौती, सर पनौती चीज को आप ले लो पनौती। आप क्या कहेंगे, पीएम मोदी का को पनौती बोला गया, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेज दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कहा जाएगा इन लोगों का विचारधारा जो है देश से हट करके बात कर रहा है, ये कहीं न कहीं गलत लोगों के का विषय है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत। एक देश का प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा शब्द कहा जाना अत्यंत निंदनीय है, और इसे निंदा किया जाना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री इस पर को 50 लाख की हीरोइन बता सकता है, मनमोहन सिंह रेनकोट में नहते हैं, सुरूपनखा है रेणुका चौधरी, राहुल गांधी वो है, प्रियंका चौधरी ये है, नेहरू गांधी नेहरू के बाप का नाम बताओ, वो मुसलमान था, वो हिंदू था, यही सब करेंगे। ये जो जितना बात कर रहे हैं इनका खुद ही दिमाग थोड़ा खिसक गया है, इसलिए जो कुछ भी कह दे इनसे तो हम बात भी नहीं सुनना चाहते न करना चाहते। सर आप क्या कहेंगे, पीएम मोदी को राहुल गांधी ने पनौती कहा, चुनाव आयोग ने इनको नोटिस भी दे दिया, अब तो अमित शाह वाले जो अमित शाह जो है हत्यारे हैं, 2018 का मामला है, आज जो है जागरण छपा है आपके चैनल के द्वारा, जो जनता की आवाज है, जो जनता की आवाज़ है, ना कि राहुल भाई बोले, जनता एक देश की जनता 140 करोड़ की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पनौती बोली है, तो जनता ने बोली ना कि राहुल भाई बोले, और कोलकाता की। अच्छा आप कह रहे हैं कि जनता ने बोला, जनता ने बोले देश। अच्छा। के पनौती राहुल गांधी को जो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है वो क्या गलत है? वो गलत भाई, जिसकी सत्ता है चुनाव आयोग भी उन्हीं का है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग, जनता की मांग है कि ये ईवीएम से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से कराया जाए, तो क्यों नहीं करा रहे भाई? हमारे टैक्स के पैसा वो चुनाव आयोग सैलरी पाती है, हमारे टैक्स के पैसा सुप्रीम कोर्ट सैलरी पाती है, गरीबों का टैक्स के पैसा आयोग पाती है, तो क्यों नहीं चुनाव करा? जनता की मांग है ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा, तो क्यों नहीं करा रही मनोहर जी, बताइए क्यों नहीं करा रही है? देश की जनता के दुर्भाग्य है कि जो एक अनपढ़ को देश के प्रधानमंत्री बना के चुन लिया गया। अच्छा तो आप ये मानते हैं कि पीएम मोदी को जो पनौती कहा गया वो सही कहा? एकदम 100% सिद्ध कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले पनौती अगर देश के प्रधानमंत्री बने, तो कोरोना काल इतना महामारी आई है कि सबसे ज्यादा पनौती हुए,
गुजरात तक जब तक मुख्यमंत्री बने थे गुजरात हिंदू भाई मुस्लिम में कराते कराते आज गुजरात से हटते ही वहाँ को गुजराती कोई दंगा सुनी, कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा सुनी, कोई दंगाई कोई और कोई फिलहाल मैटर बात सुनी है, वो बड़े शांति से सुकून से भाईचारा गुजरात में रह रहे हैं। दिल्ली आते ही हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद यही चल रहा है झूठे के जुमला। इसके अलावा और कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री की हैं लाली लगी हाथ। एक सवाल ये भी बता दीजिए कि विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, अब बीजेपी कह रही है कि भारत रखा जाएगा, इसका क्या मतलब? देखिए इंडिया, आप मानते हैं कि अब लड़ाई इंडिया और भारत की हो गई है? भाई इंडिया और भारत हिंदुस्तान भी है नाम है नहीं, जो नाम पहले सुनिए नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा जी जी, उसके अगेंस्ट ना जा करके बीजेपी भारत क्या मतलब? इंडिया देश की जनता इंडिया के साथ है, राहुल भाई के साथ है, जो मोहब्बत के। लेकिन इंडिया भारत तो एक ही है, आप अलग कैसे कर सकते हैं भाई? हम नहीं भारत करने का क्या मतलब? हिंदुस्तान क्यों नहीं है भाई? हिंदुस्तान भी तो नाम है। लेकिन लड़ाई इंडिया और भारत की हो, क्यों भाई लड़ाई है? वो तो आप लोग लड़ाई करवा रही है, विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम रखा है, क्या कर सकते हैं? जनता भी तो इंडिया के साथ है। अच्छा जनता इंडिया के साथ, जनता इंडिया के साथ है, जो देश के मोहब्बत के गुलदस्ता जो सोने की चिड़िया है उसके साथ है देश की जनता। बाबा साहब ने संविधान में इंडिया लिख दिया था, तो आप कैसे कह सकते हैं इंडिया भारत अलग अलग है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है मैडम जी जो भारत इंडिया और भारत के हिंदुस्तान के सिर्फ वही एक देश का ऐसा नेता गांधी परिवार है जो देश के लिए अपना कुर्बानी की है। RSS और भारतीय जनता पार्टी ने तो भारत के लिए कुर्बानी की, न इंडिया के लिए कुर्बानी की, न हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी की। अगर देश को बचा सकता तो सिर्फ लाहौर भाई या गांधी का परिवार ही बचा। अच्छा लगे आते भी बता दीजिए विपक्ष में जी पीएम मोदी का फेस कौन, सबसे बेहतर फेस कौन? जनता के देखिए लाइक कर रहे हैं राहुल भाई को फेस कर रहे हैं, राहुल गांधी को फेस कर रहे हैं भाई। राहुल भाई जनता के जो प्यार, आप ये मानते हैं कि पीएम मोदी को जो पनौती कहा गया है जी 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 वो सही, वो देश की जनता कह रही है 100% साबित है। जब मैच क्रिकेट होने से पहले जनता बोल रहे कि नरेंद्र मोदी जी आप मत जाइए, मैच रखते ही तीन। आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के स्टेडियम में जाने से मैच हारी भाई? सबसे बड़ा पनौती नरेंद्र मोदी के सबसे पहले जो नाम लिखा स्टेडियम वही पनौती था। अच्छा ठीक है, नाम से दूसरा जाते ही इसने 3 विकेट गिर चुका था, याद होगा 3 विकेट ने हमारे इंडिया के खिलाड़ी नौजवान ने एकदम जियो जान से ऑस्ट्रेलिया का आउट कर दिए थे। वहाँ जाते ही पनौती, यहाँ तक जो वहाँ पे कोच थे BCCI थे सब लोग बोल मोदी जी वहीं रहा, लेकिन अपना फीता काटने से कहाँ बचते हैं, फोटो कैमरा खिंचवाने से कहाँ बचते हैं नरेंद्र मोदी जी? पूजा करने जाते हैं तो फोटो, लेटरिन करने जाते हैं तो फोटो, ऐसा देश के प्रधानमंत्री भाई हुए टॉयलेट करने जाते हैं तो फोटो, क्या ऐसा प्रधानमंत्री मदार?